कोई भी कला इट्स अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो कथक भी जैसे हमारे पूरे पूरा जितना भी डांस संस्कृति हैं भारतीय नृत्य कला की संस्कृति हैं वो सारे टेम्पल्स के माध्यम से वहाँ शुरू हुआ. कथक का खासियत ये है कि वो आफ्टर द टेम्पल्स यू नो इट ऑल्सो मूव टू द मुगल कोर्ट्स एंड नाउ फ्रॉम द कोर्ट्स इट हैज़ नाउ मूव टू द प्रोसीनियम थिएटर. तो कथक एक ऐसे स्टाइल हैं जिसमें आपको हिंदू और इस्लामिक दोनों कल्चर की एक सिंथेसिस नज़र आएगी. तो मेरे लिए कथक की ये एक बहुत ही खास बात है. कथक में जो अष्ट नायिकाओं की भूमिका है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार हैं आपके? इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. खाली कथक में ही नहीं, ये तो हमारा नाट्यशास्त्र में ही है और बाकी सारे डांस स्टाइल में भी इसको अपनाते हैं. लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मतलब मैं स्टाइल नहीं बोलूँगी, जो सोच हैं, मैं ज़्यादातर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट थीम्स पर काम करती हूँ और अभिनय बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन मैं खुद ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों के थ्रू अपना जो भी है अपना मतलब पर्टिकुलर अपना प्रेजेंटेशन करती हूँ.